सर्दियों का मौसम आया हुआ था। हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। जंगल के पक्षियों ने सर्दियों से बचने के लिए अपने अपने लकड़ियों के पक्के घर तैयार कर लिए थे, जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहते थे। सभी पक्षियों ने तो अपने लकड़ियों के घर तैयार कर लिए थे, लेकिन अभी तक कालू कौवे और रानी कौवे ने अपना घर नहीं बनाए थे। वे ठंड में अपने घोंसले में बैठे हुए थे। कालू जी, कितनी ज्यादा सर्दी हो रही है, देखो ना, सभी पक्षियों ने अपना अपना लकड़ियों का घोंसला बना लिए हैं, लेकिन तुम इतना कामजोर हो कि तुमने अभी तक लकड़ी का घोंसला नहीं बनाया है। तुम कब बनाओगे लकड़ी का घोंसला? रानी, सर्दी तो मुझे भी लग रही है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? जंगल का कोई भी पक्षी आज के दिन घर में रुकने भी नहीं देगा। बस कालू जी, अब बस करो, हमें तो बहुत भूख लग रही है। तुम कहीं जाओ और जाके भोजन लेके आओ, जल्दी जाओ। रानी, इतनी सर्दी में हमें कौन भोजन देगा, और मुझसे तो अभी उड़ा भी नहीं जाएगा। कालू जी, सभी पक्षी तो अभी घरों को भोजन से भर दिया है, क्यों ना आज रात हम सभी पक्षियों के घोंसले से सारा भोजन चोरी कर लें। लेकिन हम भोजन चोरी करके कहाँ जाएंगे? भोजन चोरी करके तो हम वापस यही आएंगे अपने घोंसले ही में, और सब पक्षी सुबह हमें पकड़ लेंगे। नहीं नहीं कालू जी, हम पक्षियों का सारा भोजन चोरी करके जंगल के पास वाली गुफा में चले जाएंगे, और उस गुफा में रात को ज्यादा सर्दी भी नहीं होती, और उस गुफा में रहता भी कोई नहीं है। हाँ रानी, ये ठीक रहेगा, आज रात हम सभी पक्षियों का भोजन चोरी कर लेंगे। मम्मा, बाहर का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, मुझे बाहर खेलने के लिए जाना है। नहीं बेटा, बाहर बहुत सर्दी है, अभी तुम बाहर खेलने नहीं जा सकती हो, तुम घर में ही आराम करो। टुनटुन चिड़िया ने भी अपना घर भोजन से भरा रखा था, क्योंकि टुनटुन चिड़िया को पता था कि सर्दी के मौसम में भोजन ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है, जंगल में रात भी हो जाती है, सभी पक्षी अपने अपने घरों में आराम से सो जाते हैं। अच्छा हुआ रानी, तुमने ये लकड़ियाँ जला ली, हमें अब सर्दी थोड़ी कम लग रही है। कालू जी, सर्दी को छोड़ो, देखो अब रात भी हो गई, जंगल में सभी पक्षी अभी तक सो गए होंगे। अब हम सभी पक्षियों के घोंसले में चलते हैं और सारा भोजन चोरी कर लेते हैं, और फिर कालू कौवा और रानी कौवी पक्षियों का घोंसला भोजन चोरी करने चले जाते हैं। कुछ ही देर के बाद दोनों पक्षियों के घोंसले से भोजन चोरी करके अपने घोंसले पर आ जाते हैं। रानी, ये दोनों पोटलियाँ तो भोजन से भर गया है, चलो हम अब जंगल के पास वाले गुफा में चले जाते हैं, वहाँ हमें कोई भी पक्षी ढूंढ नहीं पाएगा। हाँ हाँ कालू जी, चलो चलो, एक पोटली आप उठा लो और एक पोटली मैं उठा लेती हूँ, जल्दी से चलो। फिर कालू कौवा और रानी कौवी जंगल के पास वाली गुफा में चले जाते हैं। रानी, इस गुफा में तो बहुत अंधेरा है, मुझे तो कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, चलो मैं लकड़ियाँ जलाता हूँ। और फिर कालू कौवा लकड़ियाँ जलाता है और थोड़ी बहुत रोशनी हो जाती है। रानी, ऐसा करो, हम यहीं सो जाते हैं, सुबह होते ही हम अपने लिए नया घोंसला बना लेंगे। फिर कालू कौवा और रानी कौवी वहीं पर आराम से सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। जब जंगल में पक्षी उठते हैं तो वे देखते हैं कि उनका भोजन तो किसी ने चुरा लिया है। अरे बाप रे बाप, मेरा भोजन कहाँ चला गया, मैंने कितनी मुश्किल से भोजन जमा की थी, बाप रे, अब मैं क्या खाऊंगी। बेटा, मेरा भोजन कहाँ चला गया, कितना सारा भोजन था, लगता है रात को किसी पक्षी ने मेरा सारा भोजन चोरी कर लिया है। बाप रे, मेरे चने के बीज, भुट्टा और सरसों के बीज कहाँ चला गया, मैंने कितनी मुश्किल से जमा किए थे, अब मैं क्या खाऊंगा। सभी पक्षी बहुत ही परेशान हो जाते हैं,
वहीं कालू कौवा और रानी कौवी जब सुबह सोकर उठते हैं तो वह देखते हैं कि उस गुफा में एक जालिम चील होती है। वह चील तो कालू कौवा और रानी कौवी को घूर घूर कर देख रही होती है। चील दीदी, आप इस गुफा में क्यों आई हो? इस गुफा में तो सिर्फ मैं और मेरी पत्नी ही रहते हैं। आप यहाँ से चली जाएं। बेवकूफ कौवे, इस गुफा में तो मैं पिछले कई सालों से रह रही हूँ, और जब तुम दोनों इस गुफा में रहने आए हो, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। वैसे भी सर्दियों का मौसम चल रहा है, काफी दिनों से मैंने किसी पक्षी का मांस नहीं खाया है, आज तुम दोनों का ही मांस खा लेती हूँ। चील बहन, आप हमें छोड़ दें। अगर आप हमें छोड़ देगी तो हमारे बदले में आपको ढेर सारे पक्षियों का मांस खाने मिलेगा। वो कैसे? अगर मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगी तो मुझे ढेर सारी पक्षियों का मांस कहाँ से मिलेगा? वो ऐसे, मैं अभी जंगल में जाती हूँ और सभी पक्षियों को कहती हूँ कि इस गुफा में ढेर सारा भोजन पड़ा है। सभी पक्षी भोजन की लालच में गुफा के अंदर आ जाएंगे, तब आप सभी पक्षियों को पकड़ पकड़ कर उसका मांस खा लेना और मुझे छोड़ देना। ये बात सुनकर चील के मुंह में पानी आ जाता है और बोलती है, ठीक है कौवे, तुम जंगल जाओ और भोजन की लालच देकर सभी पक्षियों को यहाँ लेकर आओ, तब तक तुम्हारी पत्नी मेरी कैद में ही रहेंगी। ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन चील दीदी, आप मेरी पत्नी को नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगी ना? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी पत्नी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, तुम जल्दी जाओ। और फिर कालू कौवा पक्षियों के पास चला जाता है। टिनटिन चिड़िया, जल्दी करो, हमारे जंगल के पास वाले गुफा में ढेर सारा भोजन पड़ा है, ये सारी पक्षियां भी मेरे साथ उस गुफा में जा रहे हैं। चलो चलो, तुम भी चलो। बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम घर से बाहर कहीं मत जाना। और फिर जंगल की सारी पक्षियां को लेकर कालू कौवा गुफा के अंदर चला जाता है। वह चील इतनी सारी पक्षियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। चील दीदी, मैं जंगल की सारी पक्षियों को ले आया हूँ, अब आप मुझे और रानी को जाने दे। अब तो मैं इतनी सारी पक्षियों का मांस खाऊंगी और मजे करूंगी। पक्षियों, तुम सबको तो अब मैं छोड़ूंगी नहीं। कालू कौवे, मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा कि गुफा में ढेर सारा भोजन है? टिनटिन चिड़िया, मेरी मजबूरी थी, अगर मैं ऐसा ना बोलता तो चील दीदी मुझे और रानी कौवी को मारकर खा लेती। चील बहन, मेरे तीन बच्चे घर पर ही हैं, मैं उनको तो लेकर आई ही नहीं, अगर मैं उनको ले आती तो आप उनको भी खा लेती। मुझे इस तोती के वो तीन बच्चे भी खाना है, जाओ तोती जाओ, जाकर अपने बच्चे को लेकर आओ। लेकिन चील दीदी, अगर मैं जाकर नहीं आई तो आपका एक शिकार तो कम हो जाएगा ना, इसलिए चील बहन आप भी मेरे साथ चलो। ठीक है तोते, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। और फिर चील उस गुफा से बाहर आते हैं और उस गुफा को एक बड़े पत्थर से बंद कर देते हैं, और फिर वह तोता चील को लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। जाओ तोते, अपने घर के अंदर जाओ और अपने तीनों बच्चों को लेकर आओ। अगर मैं अंदर गई और अंदर से दरवाजा बंद कर दी तो आप मुझे और मेरे बच्चे को नहीं खा पाओगी, इसलिए मैं बाहर रहती हूँ और आप अंदर जाओ और मेरे बच्चे को लेकर आओ। ठीक है, मैं ही तुम्हारे घर के अंदर चली जाती हूँ। और फिर वह चील तोती के घर के अंदर चली जाती है। चील के अंदर जाते ही वह तोती अपने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है, जिससे वह चील उस घर के अंदर कैद हो जाती है। तोते, इस घर में तो तुम्हारा एक भी बच्चा नहीं है, मतलब तुम झूठ कह रहे थे? हाँ चील बहन, इस घर में मेरा एक भी बच्चा नहीं है, मैंने आपको बेवकूफ बनाया, अब आप
मेरे घर में कैद हो गई हो। अब आप कभी भी इस घर से बाहर नहीं निकल सकती हो। इस तरह उस तोती ने चील को अपने घर में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर ली थी। फिर तोती जल्द ही उस गुफा के पास जाकर गुफा के मुंह का पत्थर हटाती है और गुफा के अंदर जाती है और सभी पक्षियों को बताती है कि उसने चील को कैसे बेवकूफ बनाई। तोती, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने हम सभी पक्षियों की जान उस जालिम चील से बचाई है। टिंटिन, मैंने आप सभी पक्षियों की जान बचाई है। इस कालू कौवा और रानी कौवे का नहीं, इन दोनों कौवा कौवे को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। और फिर सभी पक्षी उस गुफा से बाहर आते हैं और बड़े से चट्टान से उस गुफा को बंद कर देते हैं और वह कालू कौवा और रानी कौवी उसी गुफा में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाती हैं। वे सभी पक्षी दोनों भोजन की पोटली भी लेकर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। तोती, तुम्हारे घर में तो चील कैद है, इसीलिए तुम आराम से मेरे घर पर ही रहो। इस तरह सभी पक्षियों को उस जालिम चील से हमेशा हमेशा के लिए आजादी मिल जाती है और सभी पक्षी खुशी खुशी अपने जंगल में रहने लगते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।